चाचा जी, राजपाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब राजपाल जी का फोन गया कि भाई आ जाओ यहाँ पे। मैं खुद ही समझ गई, कुछ नहीं पता चला था, मगर भाई चाचा जी को मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैं बस ज्यादा नहीं, इतना ही कहूंगी, रात दिन एक कर दूंगी इनके लिए, तन मन और धन, कोई 24 घंटे के है, साथ हूँ इनके, जहाँ चाचा जी आदेश करेंगे इनसे पहले। अब छो साहब भी 2 मिनट। खैर, टिकट तो एक कोई मिलना था, हम तो यही कहे भाई अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों की भी प्रतिष्ठा की बात है, यह सीट ऐतिहासिक सीट है, इसे बहुत उत्सुक लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उत्सुक है। आपस के आजो, आगे आजो, चौहान साहब आगे आजो, चंदन चौहान आजो, आगे आजो, मंच में आजो आगे। हमारे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार जो वहां से मीरापुर से है, मीरापुर से चंदन चौहान चौधरी, संजय चौहान जी के लड़के, एमपी साहब के, आ जाओ जी, नमस्ते नमस्ते चौहान साहब भाई। वहां से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो, कुछ हो, सभी वहां से भी मीरापुर में भी मंडो नरेश टिकट, और इस पर भी सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत भाई। आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए, उसे कुसा मंदरा मंत्र जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का ही है, और तो कुछ नहीं, और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे, और बड़े अच्छे तरीके से सब है मनाने की बात है, और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। सुन लो, ऐतिहासिक प्रांगण, बड़े बड़े आंदोलन इस जगह ने देखे, इस प्रांगण ने देखे। बालियान जी ने बताया भाई, कभी किसी जमाने में टिके साहब ने भी यही ना वो दिया था, आशीर्वाद दिया था। चलो, मैं तो आज नहीं रहे, बड़ा संघर्ष था इस सीट पे, बड़े उतार चढ़ाव हो रहे थे, नहीं लेट हो रहा था मामला। तो हम तो यही कहे, वह जो है जिम्मेदारी चौधरी राजपाल सिंह को, बालियान जी को मिली, ठीक है, सब अपने ही आदमी, अपने ही उम्मीदवार थे, सब सभी कोशिश करे। इनमें हमारी बहन अनुपमा भी थी, वीरेंद्र गोड़ा, सोमपाल भोरा, यशपाल सोरम, विनोद मलिक। आज हमारे किसानों की कर्म भूमि और हमारा मंदिर सिसौली में आदरणीय नरेश टिकैत जी के सामने आशीर्वाद लेने हम आए हैं। आशा करता हूं कि सारी सर्व समाज की सरदारी यहां पे है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो माहौल है और जो बिगुल, जो क्रांतिकारी बिगुल किसानों ने बजा के रखा है, उसको देखते हुए आप सबका समर्थन और आशीर्वाद गठबंधन के लिए रहेगा, इस आशा से और इस आशीर्वाद को लेने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और उम्मीद है कि हम सबको, आदरणीय राज्यपाल बालन जी को और पूरे प्रदेश के गठबंधन को
जनता का आशीर्वाद किसानों का मिलता रहे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने आप पर फिर विश्वास जताया है और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने भी आपको पूर्ण समर्थन दिया है। आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? मैं वफादारी से राजनीति की तो मेरे पे जयंत चौधरी ने विश्वास जताया। मैं बहुत ही वफादारी से किसान यूनियन में शुरू से और जब तक 1996 तक किसान यूनियन की राजनीति करी तो इस परिवार से मेरा बहुत लगाव रहा है और ये परिवार मेरे पे पूरा भरोसा करता है, विश्वास करता है। और उधर 1996 के बाद चौधरी अजीत सिंह के साथ मैंने ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ, वफादारी के साथ उनका उनके साथ रहा। वो भी मेरे पे इसी वजह से वो मेरे पे विश्वास जताते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मैं पूर्णतः जयंत चौधरी जी को आज जो ये मुझे टिकट दिया मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आदरणीय नरेश टिकैत जी को जो इन्होंने मेरा सहयोग किया जयंत जी से मिलकर गठबंधन का मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं तहे दिल से नरेश चौधरी जी का भी, नरेश टिकैत जी का भी स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि मुझे ये परिवार हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव जिताए और जिससे तो उसी विश्वास के साथ मैं, अगर क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव जिता कर भेजेगी तो जिस तरीके से मैंने दो टर्म, दो योजनाएं पीछे काम ईमानदारी